अमेजन दुर्गा मैन्युफैक्चर में 2024 की नई सुगर कैन जूस मशीन लॉन्च हो चुकी है। एक नहीं बल्कि दो दो अलग अलग प्रकार की सुगर कैन जूस मशीन यहां पे लॉन्च हो चुकी है, जो कि 2024 का नया मॉडल है। आप देख सकते हैं पूरी पोर्टेबल मशीन है, एक जगह से दूसरी जगह बड़ी आसानी से ले जा सकते हैं और आप अपने कैपेसिटी के हिसाब से परचेस कर सकते हैं। मतलब कि एक जो हमारी सुगर कैन जूस मशीन है वो एक घंटे में 100 से 150 ग्लास की कैपेसिटी देती है और जो हमारी दूसरी वाली शुगर कैन जूस मशीन है वो 2 HP की है, जो कि आपको एक घंटे में 200 से 250 ग्लास की कैपेसिटी दे सकती है। जी हाँ दोस्तों, आज आपके सामने लाइव डेमो करके दिखाएंगे जो कि एकदम नया मॉडल है। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आप उन्हें देख सकते हैं। तो आइए मशीन के बारे में हम बारीकी से जानते हैं। तो ये हमारी जो 2 HP वाली शुगर कैन जूस मशीन है, काफ़ी पोर्टेबल मशीन है। आप देख सकते हैं चारों तरफ पहिए भी लगाए हुए हैं। अगर आप एक जगह से दूसरी जगह बिजनेस करना चाहते हैं तो आप बड़ी आसानी से इसे ले जा सकते हैं। अब हम मशीन स्टार्ट करके आपको डेमो लाइव दिखाते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ नहीं करना, सिर्फ हमें ये स्विच को ऑन कर देना है और यहाँ पे ये जो पंप का बटन है और मशीन का है और कंप्रेशन का है, तो ये तीनों हमें स्टार्ट कर देना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा टेम्परेचर का है, तो अभी इसमें 26 है। जितना कम होगा उतना हमारा जो गन्ने का जूस है वो ठंडा होगा। मतलब अब इसे हमें पहले नहीं देखना, सबसे पहले हम हमारा गन्ने का रस निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे स्विच और पुश बटन दिया हुआ है, तो यहाँ सबसे पहले हम स्विच को ऑन करेंगे और हमारा शुगर कैन, ये देखिए अभी हम स्टार्ट कर दिया है मशीन को। एक ही बारी में हमारा जो पूरा गन्ने का रस है वो निकल जाता है। ये हमारी 5 लीटर की जो टैंक दी हुई है, अब यहाँ पीछे देखिए ये अपने आप गन्ने का रस है वो निकल जाएगा और पीछे हम जो बात कर रहे हैं गन्ने का छिलका है वो अपने आप ही यहाँ पे हमारा जो स्टोरेज है उसमें आ जाएगा। आपको मतलब इसमें कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। आप देख सकते हैं एक ही बारी में 99% जो जूस होता है वो पूरा का पूरा निकल गया है। अभी हम इसे बंद कर देते हैं, ठीक है। और हमारा ग्लास जो कितने ml का जो सेंसर होता है उसका स्विच यहाँ पे है, तो आप यहाँ से अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। आपको कितने ml तक ग्लास की कैपेसिटी चाहिए तो उस हिसाब से आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। देखिए अभी हम कैसे जूस निकलता है वो दिखाते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो पंप का स्विच दिया हुआ है तो उसे हमें पुश करना है। तो ये देखिए एक बार पुश कर दिया और ये देखिए पूरा एक ही ग्लास निकलता है, उस हिसाब से हमने यहाँ पे सेट किया हुआ है। मैंने अभी आपको नीचे जो बताया उस हिसाब से वहाँ पर आप सेट कर सकते हैं। ये देखिए एक ही बारी में निकल जाता है, सेंसर के हिसाब से होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एकदम फ्रेश पूरा हाइजेनिक जूस निकलता है। काफी ठंडा है।